हेलो प्यारे बच्चों, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। सो बच्चों, आज इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड फोर्थ का सब्जेक्ट मैथ चैप्टर 1 बिल्डिंग विद ब्रिक्स डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट एंड प्लीज ओपन योर बुक्स पेज नंबर 1। चैप्टर 1 बिल्डिंग विद ब्रिक्स। बच्चों, ब्रिक्स क्या होता है? ब्रिक्स होता है ईंटें, जिससे मैसन जो होते हैं, मिस्त्री जो हमारे मकान क्या करते हैं, अपने हमारे हाउस बनाते हैं। तो ब्रिक पैटर्न्स फॉर्म फॉर जागृति स्कूल्स। हमने जागृति स्कूल की ब्रिक पैटर्न्स को देखना है। बच्चों, हमने स्टैंडर्ड सेकंड में भी, स्टैंडर्ड थर्ड में भी पैटर्न शेप्स एंड पैटर्न्स चैप्टर डिस्कस करा था। आप ये वीडियोस भी देख सकते हैं, मैं इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डालूंगी। तो अब हम पढ़ते हैं, इसमें डिजाइंस हैं, पैटर्न शेप्स डिजाइन हैं। दिस इज अ ट्रू स्टोरी ऑफ जागृति स्कूल इन मुर्शिदाबाद, वेस्ट बंगाल। तो ये बच्चों कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में है, ये मुर्शिदाबाद में है। वेस्ट बंगाल में, मुर्शिदाबाद में एक जागृति स्कूल की एक सच्ची कहानी है। तो व्हेन इट्स बिल्डिंग वाज बीइंग मेड, जब इसकी क्या थी, स्कूल की बिल्डिंग बन रही थी। देयर वॉज ए प्लान टू मेक ब्रिक पैटर्न्स ऑन देयर फ्लोर एंड वॉल्स। फ्लोर मीन्स फर्श, वॉल्स मीन्स दीवार। तो इसमें एक योजना बनाई, प्लान बनाया ब्रिक पैटर्न्स का, कि जो इसमें डिजाइंस होंगे वो ईंटों से बनेंगे फर्श पे और दीवारों पे। जमाल, कालू एंड पियार, ये क्या थे? वर द मैसन्स ऑफ द ब्रिक वर्क, जो ईंटों का काम कर रहे थे। मैसन्स क्या होते हैं? मिस्त्री। तो आपने भी देखा होगा, मिस्त्री जो मकान हाउसेस बनाते हैं, तो ये तीन क्या थे? मिस्त्री थे, जिन्होंने ये ब्रिक का काम किया। दे वॉन्टेड टू गेट न्यू आइडियाज़ फॉर द स्कूल बिल्डिंग, वो चाहते थे कि स्कूल की बिल्डिंग, स्कूल की इमारत के लिए नए नए आइडिया चाहते थे। सो दे टुक देयर अदर फ्रेंड्स टू सी द ओल्ड टॉम ऑफ मुर्शिद कुली खां सी फोटो। तो इसलिए उन्होंने, तीनों मैसन्स ने क्या किया, अपने और फ्रेंड्स को साथ में लेकर मुर्शिद कुली खां के ओल्ड टॉम, टॉम्स क्या होता है, मकबरा, पुराने जो मुस्लिम लोगों के मकबरे, मस्जिद, उनको देखना चाहा, जैसे कि इस फोटो में दिखा रखा है। बच्चों ध्यान से देखना, ये क्या है, पुरानी बिल्डिंग्स हैं, जो मकबरे, मस्जिद, आप गुरुद्वारों में भी देख सकते हो, बड़े बड़े मस्जिद जो मुस्लिम की होती हैं, मस्जिद, मकबरे, उनमें डिज़ाइन देख सकते हो। तो दिस बिल्डिंग हैज़ ए बिग फ्लोर विद अबाउट 2000 ब्यूटीफुल ब्रिक पैटर्न्स। तो ये जो इमारत है, इसके एक बड़े से फर्श में लगभग अबाउट 2000 ब्यूटीफुल ब्रिक पैटर्न। तो बच्चों 2000, ये हमारा 4 डिजिट नंबर हो गया, जबकि हमने अभी 2 डिजिट्स का पढ़ा था, वंस का और टेंस का, ये होता है 100 और ये होता है 1000। तो 2000 ब्यूटीफुल ब्रिक पैटर्न्स लगे हुए हैं। दीज वर मेड बाय मैसन्स, ये मैसन्स मिस्त्री द्वारा बनाए गए हैं। लॉन्ग बैक, बड़े बड़े बैक में, अबाउट 300 ईयर्स अगो, 300 यानी कि 300 साल पुराने। तो देखो बच्चों, कुछ और भी हमें बिल्डिंग्स दिखा रखी हैं, काफ़ी पुरानी बिल्डिंग्स हैं। आपने हिस्ट्री में आगे नेक्स्ट स्टैंडर्ड्स में पढ़ोगे, हायर स्टैंडर्ड्स में, ये देखो ये 3 पिक दिखा रखी हैं हमें। इसमें ये देखो ब्रिक्स की कैसे पैटर्न्स दिखा रखी हैं। कुछ ब्रिक्स इन्होंने ऐसे जो आप कहते हो ना स्लैंटिंग, और ये वर्टिकल, ये स्लीपिंग लाइन, ऐसे ब्रिक्स दिखा रखी हैं। और ब्रिक क्या होती हैं? 3 फेसेस होती हैं इसमें, 3D शेप्स की होती हैं। तो देखो ध्यान से, लुक हाउ द ब्रिक्स आर अरेंज्ड इन दीज 5 फ्लोर पैटर्न्स। इन्होंने 5 फ्लोर पैटर्न्स के डिज़ाइन दिखा रखे हैं। तो देखो इन्होंने ब्रिक्स को कैसे डिस्कस कर रखा है, ये देखो, ये हमने, इन्होंने कैसे, जैसे हम क्या बनाते हैं, एक कर्व लाइन बनाते हैं, इन्होंने ब्रिक्स को ऐसे ऐसे लगा कर रखा है, और इसमें कुछ स्लीपिंग लाइन, कुछ स्टैंडिंग लाइन की तरह कर रखा है। आगे देखो, थर्ड नंबर में क्या कर रखा है इन्होंने ब्रिक्स के, कैसे डिज़ाइन, ये ऐसे सीधी सीधी जा रही हैं, और कुछ ऐसे स्लीपिंग वे से ड्रॉ कर की हैं। और ये देखो, ये इन्होंने ऐसे, ये देखो ये क्रॉस का निशान, ये देखो इन्होंने फोर्थ में कैसे डिज़ाइन डाल रखा है, वैसे ही कुछ स्लैंटिंग वे से है, कुछ स्टैंडिंग लाइन में है, और कुछ वर्टिकल लाइन में है, मीन्स वर्टिकल होरिजेंटल। और ये देखो, ये तो आपने पुराने मकबरे, मस्जिद में दिल्ली देखा होगा, आगरा मथुरा में भी देख सकते हो, मंदिरों में भी होते हैं, जो पुराने
मकबरे, मस्जिद, मंदिर होते हैं उनमें ये डोर का पैटर्न होता है, जैसे ये यहाँ से रास्ता खुला होता है, ये ऐसे मंदिरों में भी देखे होंगे आपने। तो विच फ्लोर पैटर्न डू यू लाइक द मोस्ट? बच्चों इन पांच फ्लोर पैटर्न्स डिजाइन में आपको कौन सा अच्छा लगा वो आप लिख सकते हो, 1, 2, 3, 4, 5 जो भी आपको अच्छा लगे वो आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो। हैव यू सीन सच पैटर्न एनीवेयर? तो आपने अगर ऐसे कई पैटर्न देखे हैं तो यहाँ पे येस लिखोगे, अगर नहीं देखे तो नो लिखोगे। आगे क्या है देखो बच्चों, द मैसन्स केम बैक एक्साइटेड, जो मिस्त्री थे काफ़ी एक्साइटेड थे। जमाल सेड और आ इन दोज डेज दे हैड मेड सो मैनी इंटरेस्टिंग ब्रिक पैटर्न्स। तो जमाल मिस्त्री क्या कह रहा है कि इन दिनों ने उन्होंने काफ़ी इंटरेस्टिंग दिलचस्प ब्रिक पैटर्न्स बनाए। वी हैड फॉरगॉटन दीज, परंतु वो इस टाइम क्या हो गए, भूल गए हैं। फॉरगॉटन मीन्स उनके माइंड से मिस हो गए हैं। लेट्स मेक सम नाइस डिजाइन ऑन द फ्लोर ऑफ दिस स्कूल। तो आओ अब वो क्या करेंगे, स्कूल में फ्लोर्स के और कुछ नए अच्छे डिजाइन बनाएंगे। Each masons made a different brick patterns. हर एक मिस्त्री क्या कर रहा है, अलग अलग प्रकार के brick patterns को बना रहा है। The school is proud to have such a beautiful building. और school को ऐसी beautiful building के लिए अपने ऊपर क्या है, proud है, गर्व है। Children play and sing. बच्चे क्या कर रहे हैं, on it, इस floor pattern पर बैठ कर क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं और sing कर रहे हैं, जैसे prayer करते हैं और recess time में क्या करते हैं, खेलते हैं। एंड ऑल्सो न्यू पैटर्न्स themselves, और भी अच्छे अपने आप नए पैटर्न्स बनाएंगे। तो देखो बच्चों ये फ्लोर्स पे पैटर्न बने हुए हैं, तो आप देखो ध्यान से, आपने ब्रिक तो देखी होगी, मैं आपको दिखा भी दूंगी। ये देखो इन्होंने ब्रिक ये स्टैंडिंग वे से लगा रखी हैं और ये स्लीपिंग वे से लगा रखी हैं, और ये सर्कल में कुछ स्मॉल ब्रिक्स भी लगा रखी हैं, और ये क्रॉस वाले डिज़ाइन है। ये देखो ये 3-3 स्टैंडिंग है और बीच में एक स्लीपिंग लाइन है, ये भी देखो क्रॉस के डिज़ाइन है। ध्यान से देखना, इसमें आप अलग अलग तरह के डिज़ाइन बना सकते हो। अब ये देखो इसमें जैसे ए होता है ना, ए वैसे बना रखा है, ये क्या दिखा रखी है, स्लैंटिंग वे से दिखा रखी है, और इसमें स्मॉल ब्रिक दिखा रखी है। तो ये नए नए पैटर्न डिज़ाइन हैं। आगे भी हमें कुछ नए पैटर्न्स डिजाइन दिखा रखे हैं। देखो ए में कैसे दिखा रखा है, ये सारे ऐसे स्टैंडिंग वे से इन्होंने कैसे कर रखा है, स्लैंटिंग वे से कर रखा है, ऐसे क्रॉस का निशान, और ये स्लीपिंग वे में जा रही है और ये स्टैंडिंग वे से जा रही है। बी डिज़ाइन में भी कुछ स्टैंडिंग वे से हैं, कुछ स्लीपिंग लाइन में है, कुछ स्लैंटिंग वे से हैं, और इसमें क्या है, ये देखो ये सारी स्लैंटिंग स्लैंटिंग ऐसे, जैसे हम स्लैंटिंग लाइन खींचते हैं ना इंग्लिश अल्फाबेट सीखते हैं, इन्होंने इस तरह के डिज़ाइन बना रखे हैं ब्रिक्स में, इसमें स्लीपिंग और स्टैंडिंग लाइन्स में हैं। इसमें पहले इन्होंने सर्कल में लगा रखा है, फिर कुछ स्लैंटिंग वे से हैं, इसमें स्लीपिंग लाइन में और कुछ स्टैंडिंग वे से हैं। आगे इसमें भी स्लीपिंग स्टैंडिंग, और इसमें देखो बीच में स्टैंडिंग है और बीच में स्लीपिंग, ऐसे ऐसे आप कोई भी डिज़ाइन कर सकते हो। इसमें भी क्या है, एक बीच गोल में सर्कल का डिज़ाइन है, और ये स्लीपिंग और स्टैंडिंग वे से हैं। आगे ये देखो स्मॉल ब्रिक्स हैं, इसमें क्या कर रखा है, सर्कल डिज़ाइन है, और इसमें फिर से वही सेम डिज़ाइन जैसे स्टैंडिंग में, स्लीपिंग में, और कुछ स्मॉल ब्रिक्स हैं। तो देखो बच्चों कुछ आके इनके क्या है, क्वेश्चंस हैं। विच पैटर्न इज मेड इन ए सर्कल? तो आपने इन पैटर्न्स को ए से लेकर के तक बताओ कि आपको इसमें कौन सा सर्कल का डिज़ाइन लग रहा है। तो बच्चों ध्यान से देखो, एक एक पैटर्न्स को देखो कि आपको इसमें सर्कल शेप में कौन सा लग रहा है। ध्यान से देखो, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे। तो जे क्या है, जे पूरी तरह क्या है, सर्कल शेप में है। इन्होंने स्मॉल स्मॉल ब्रिक लगाकर इसको सर्कल शेप दे रखा है। वैसे कई में छोटे छोटे हैं, पर ये क्या है, सर्कल। तो इसका आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा जे पैटर्न इज मेड इन ए सर्कल। तो आप विच की जगह जे लिख दोगे, बाकी सारा क्वेश्चन से ले लोगे, आंसर जे भी लिख सकते हो। इन विच पैटर्न कैन यू शो मिरर हाफ्स ड्रॉ ए लाइन? तो आप ऐसा कोई पैटर्न बताओ जिसमें आपको मिरर हाफ्स, मिरर हाफ्स का मतलब क्या होता है, जिसमें ऐसे स्टैंडिंग वे से भी और स्लीपिंग वे से क्या हो, इक्वल पार्ट्स बनते हो। तो देखो इनमें ए से लेके के पार्ट्स में कौन कौन से पैटर्न। एक तो देखो सर्कल शेप में तो ये बनेगा ही बनेगा ऐसे हाफ, जैसे हमने ये स्टैंडिंग से करा, और ये बीच में ये इक्वल पार्ट, यानी कि टॉप से भी ये इक्वल पार्ट हो, बॉटम से भी, लेफ्ट से भी, राइट भी, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मिरर हाफ। से देखो इन्होंने कहा ना, लाइन खींच के बताओ कि ये पैटर्न क्या है, मिरर हाफ बनते हो, यानी कि इक्वल पार्ट्स बनते हो। एक तो हमारा जे है, और देखो बच्चों ध्यान से एच भी हमारा हाफ हो सकता है,
और जो ब्रिक होती है ये रेक्टेंगल शेप्स में होती है, स्क्वायर शेप में नहीं होती और 3D शेप्स की होती है। तो ये एक हमारा एच है और क्या है, ए का भी हम ऐसे हाफ बना सकते हैं। ये देखो मैंने बीच में लाइन ड्रॉ की और यहाँ पे भी लाइन ड्रॉ की, ये जो तीन पैटर्न है ये बिल्कुल मिरर हाफ बन रहे हैं। आगे देखो, नाउ यू ड्रॉ सम न्यू फ्लोर पैटर्न, तो आप कहीं और नए डिज़ाइन भी पैटर्न्स के ड्रॉ कर सकते हो। तो बच्चों आपने अपनी नोटबुक में इस तरह के, जैसे एक आपने स्लीपिंग लाइन में कर दी, एक बीच में स्मॉल ब्रिक कर दी, फिर से एक बड़ी कर दी, तो आप ऐसे ब्रिक के डिज़ाइन बना सकते हो। ऐसे ही फिर बड़ी, एक स्मॉल ब्रिक, एक बड़ी और एक स्मॉल, और क्या कर सकते हो, एक स्टैंडिंग लाइन में, एक स्लीपिंग लाइन में, फिर से स्लीपिंग लाइन में, फिर एक स्टैंडिंग लाइन में, तो आप ऐसे कई कई पैटर्न डिज़ाइन बना सकते हो। बच्चों हाउ टू ड्रॉ ए ब्रिक, तो हम अब एक ब्रिक को कैसे ड्रॉ करेंगे। तो बच्चों ये मैंने आपको बताया 3D है, जैसे लेंथ ब्रेथ इंटू हाइट होगी। तो मैं आपको इसकी पिक भी दिखा देती हूँ। सो बच्चों ये है ब्रिक, तो ये इसके जैसे हमने थर्ड क्लास की सीरीज में करा था व्यूज होता है, ये फ्रंट व्यू है, ये साइड व्यू है और ये इसका बैक व्यू है। तो देखो बच्चों ध्यान से, ये भी हमारी लेंथ, ये ब्रेथ और ये इसकी हाइट है। तो बच्चों ये क्या है, 3D शेप। तो बच्चों अब हम इस ब्रिक को कैसे ड्रॉ करेंगे, ध्यान से देखो। ये हमारी पहले, ऐसे मैंने आपको बताया ना, ये रेक्टेंगल शेप में होती है, जिनकी क्या ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल, दिस साइड इज इक्वल टू दिस एंड दिस साइड इज इक्वल टू दिस, पर स्क्वायर में ब्रिक नहीं होती। तो देखो अब हम इसको कैसे ड्रॉ करेंगे, ये हुई हमारी 3D शेप्स में। आगे देखो, इन वन फोटो वी कैन सी ओनली वन फेस ऑफ द ब्रिक, इन दो पिक में आपको ओनली वन फेस दिखा रखा है। तो ये जो सेकंड पिक है इसमें सिर्फ वन फेस है और ये बैक व्यू है आपका, जो ब्रिक्स का बैक व्यू होता है ये वन फेस है। आगे क्या है, इन द अदर, दूसरी में क्या है, थ्री फेसेस दिखा रखे हैं, सर्कल द फोटो शोइंग थ्री फेसेस। तो आपने उस पिक को क्या करना है, सर्कल करना है। तो देखो बच्चों ये लेंथ, ये ब्रेथ और ये हाइट, इसमें क्या दिखा रखे हैं, थ्री फेसेस दिखा रखे हैं। तो हम इनको क्या करेंगे, सर्कल करेंगे, इस तरह से गोला बनाएंगे, सर्कल मींस चक्कर लगाना ऐसे। हाउ मैनी फेसेस ऑल डज ए ब्रिक है, तो फेसेस के वैसे ब्रिक कितने होते हैं, फेसेस होते हैं 6 फेसेस। आगे क्या है, इज एनी फेस स्क्वायर, तो स्क्वायर में भी होता है, जब मैंने आपको बताया स्क्वायर में ब्रिक नहीं होती, तो ये क्या आएगा, नो। आगे क्या है, ड्रॉ द स्मॉलेस्ट फेस ऑफ द ब्रिक, तो जैसे हम इसकी ब्रिक की हाफ करते हैं तो ये क्या हो जाता है, स्मॉल फेस। तो ये हम इसको इस तरह से ड्रॉ करेंगे, ये हुआ हमारा स्मॉल फेस ब्रिक का। आगे क्या है, विच ऑफ दीज आर द फेसेस ऑफ ए ब्रिक, तो इस पिक्चर्स में देखो, इन छोटी छोटी पिक्स में दे रखा है कि कौन सी ब्रिक की फेसेस है, उसको आपने क्या करना है, टिक का निशान लगाना है। तो ब्रिक का आपने देखा है कभी ऐसी होती है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया ना अभी, ब्रिक ऐसे तो होती नहीं, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, ट्रेपीजियम की तरह ऐसे एक साइड बड़ी होती है, बिग होती है और एक स्मॉल होती है और एक ऐसी होती है, ये हो सकती है ब्रिक हमारी। और कौन कौन सी हो सकती हैं बच्चों, एक ये हमारी ये वाली, क्योंकि ये भी क्या है, रेक्टेंगल शेप में है, इनमें से कोई नहीं है ऐसे, ना ही स्क्वायर शेप में होती है, ना ही ये कर्व लाइन में होती है, ना ही ट्रायंगल शेप में और ना ही ये हेक्सागन पेंटागन में होती है। आगे देखो, विच ऑफ दीज ए ड्राइंग ऑफ ए ब्रिक, और इनमें से ब्रिक की ड्राइंग कौन सी है, उस पर भी आपने क्या करना है, टिक का निशान। ये कौन सी शेप है बच्चों, मैंने फर्स्ट क्लास की सीरीज में शेप्स का सारा बता रखा है, ये होती है हमारी सिलेंड्रिकल शेप, और ये क्या होती है, 3D शेप होती है, ये हो सकती है ब्रिक की, क्योंकि ब्रिक क्या है हमारी, 3D फेसिस वाले, यानी कि 3D थ्री डायमेंशनल होती है, थ्री। और ये क्या है, ये एक हर्ट का जैसे ट्रायंगल है और ये यही ट्रेपीजियम है, तो ये भी नहीं हो सकती, ये हो सकती है हमारी। तो इनमें से ये वाली ये दो क्या है, ब्रिक्स की क्या है, ड्राइंग है। आगे देखो, मेक ए ड्राइंग ऑफ दिस बॉक्स टू शो 3 ऑफ इट्स फेसेस, जैसे कि आपकी ज्योमेट्री बॉक्स होती है ना बच्चों, आप स्कूल बैग में लेके आते हो, ये भी क्या होती हैं, 3 फेसेस होती हैं, ये हमारी लेंथ होती है और ये क्या होती है, ब्रेथ होती है, और ये जो इसकी होएगी मोटाई होएगी, ये मैं आपको दिखा भी देती हूँ। तो बच्चों ये क्या है, एक ज्योमेट्री बॉक्स है, ये इसमें क्या है, इसकी लेंथ है, ये ब्रेथ है
और ये क्या है हाइट, मोटाई है इसकी, ये कितनी इसकी हाइट है। तो ये 3D है ये जो आप ज्योमेट्री बॉक्स। तो देखो बच्चों ध्यान से, लेंथ ब्रेथ इनटू हाइट। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, कैन यू मेक ए ड्राइंग ऑफ ए ब्रिक विद विच शो 4 ऑफ इट्स फेसेस। जैसे कि मैंने आपको बताया इसके 4 फेसेस तो होते नहीं, क्या होती है 3 फेसेस होती है। तो हम क्या लिखेंगे, नो आई कैन नॉट मेक ए ड्राइंग ऑफ ब्रिक विच शो 4 ऑफ इट्स फेसेस। तो हम इसका नो लिखेंगे कि हम ऐसे 4 फेसेस वाली ब्रिक को ड्रॉ नहीं कर सकते। आप आंसर ओनली नो भी लिख सकते हो, तो क्योंकि ब्रिक क्या होती है 3D डायमेंशन शेप्स होती है। तो बच्चों इसमें ये पैटर्न्स शेप्स कुछ आए थे ब्रिक्स के। अब मैं आपको कुछ डिजिट्स के बारे में समझाती हूँ, आप ध्यान से देखना। सीधा व्हाइट बच्चों, जैसे कि हमने फर्स्ट क्लास की सीरीज में करा था, 0 से 9 नंबर्स किए थे जो क्या होते हैं 1-digit नंबर होते हैं। 9 के बाद क्या आ जाता है 1010, तो ये क्या हो जाता है 2-digit नंबर। आगे ये जाते हैं 10 से 99 तक 2-digit, उसके बाद आ जाता है 100, तो ये क्या हो जाते हैं 3-digit नंबर। तो हमने सिर्फ वंस और टेंस के बारे में पढ़ा था, जैसे 99 है ये होता है हमारा वंस और ये होता है हमारा टेंस। आगे क्या आता है हंड्रेड्स, HUNDREDS, हंड्रेड्स बोलते हैं हिंदी में, बोलते हैं सैकड़ा इसको, वंस को बोलते हैं इकाई, टेंस को बोलते हैं दहाई और हंड्रेड्स को बोलते हैं सैकड़ा। अब हम क्या करेंगे 3-digit नंबर पढ़ेंगे। तो ये कहाँ से शुरू होते हैं 100 से, और कहाँ तक जाते हैं 999 तक, वंस टेंस हंड्रेड। तो हम इसको शॉर्ट में भी लिख सकते हैं वंस टेंस हंड्रेड। तो ये होते हैं 3-digit नंबर। तो ये भी कहाँ तक जाते हैं, ये 3D नंबर यहाँ खत्म हो जाते हैं, इसके बाद आता है 1000। इसको हम क्या लिखते हैं नंबर्स न्यूमेरिकल में 1000, थाउजेंड को हम कहते हैं 1000, यानी कि 4-digit नंबर। इसको क्या कहते हैं हम 4-digit नंबर, ये हमारे होते हैं 4-digit नंबर। ये देखो अब वंस टेंस हंड्रेड और थाउजेंड को TH से। तो बच्चों जैसे कि ये मैंने नंबर लिया 3, 7, 8, 9, तो 9 क्या है हमारा वंस, टेंस क्या है 8, हंड्रेड्स क्या है 7000 है 3। तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे, अगर हमने न्यूमेरिकल में लिखना है या नंबर्स में, जैसे देखो 3000, इसको हम क्या लिखेंगे 3000 7 हंड्रेड, इसको क्या लिखेंगे 89। तो ये हुआ हमारा 4-digit नंबर। आगे इनके ऊपर आप क्या लिखोगे, यहाँ पे वंस, यहाँ पे टेन, यहाँ पे हंड्रेड और यहाँ पे थाउजेंड को TH लिखते हैं। तो ये हुआ हमारा 4-digit नंबर, 1, 2, 3, 4 ऐसे आप लिख सकते हो। एक हमने इसमें ये ऐसे नहीं लिखना, एस नहीं लिखना, जैसे थाउजेंड्स नहीं लिखना और ना ही हंड्रेड्स लिखना है, इसको सिंगुलर फॉर्म में लिखना है हमने, हंड्रेड्स जैसे वंस ऐसे नहीं लिखना है। ठीक है बच्चों, आगे क्या है हमारा, इसमें आगे आपको फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू, ये मैंने सेकंड और थर्ड क्लास में भी करवा रखा है, जैसे कि प्लेस वैल्यू होती है, ये सारे आपको काम आएंगे, प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू। आज हम सिर्फ 4-digit नंबर तक ही पढ़ेंगे, आगे का नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो बच्चों जैसे कि ये हमारे पास ये नंबर है, इसमें प्लेस वैल्यू, जैसे कि हमने 9 लिखा दिया, पहले हम वंस लिखेंगे फिर टेंस फिर हंड्रेड, तो 9 के बाद कितने डिजिट्स हैं 2-digit, तो हम इसको कैसे लिखेंगे 9 की, ये हम क्या लिख रहे हैं प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू को क्या बोलते हैं हिंदी में, स्थानीय मान, क्या बोलते हैं स्थानीय मान। तो 9 का निकालना है, 9 को अंडरलाइन किया होगा कि इसका नंबर का प्लेस वैल्यू निकाल, तो 2-digit हैं तो कितनी आएंगी 20। अगर हमने 8 का निकालना है, 8 के बाद कितने डिजिट हैं 1-digit, तो हम लिखेंगे 80। और 7 के बाद कोई, तो 7 अगर हम इसको ऐड भी करते हैं तो हमारे पास सेम नंबर आएगा, ये वो हमारा प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू हम इस तरह निकालते हैं। आगे क्या होता है हमारा फेस वैल्यू। तो बच्चों फेस वैल्यू क्या होती है, फेस वैल्यू बिल्कुल सिंपल होती है, जैसे कि 7 की प्लेस फेस वैल्यू क्या आएगी 7 ही आएगी, 8 की क्या आएगी सेम,
8 आएगी, 9 की क्या आएगी 9, तो ये होती है प्लेस और फेस वैल्यू। तो बच्चों इसमें एक इंडियन मेथड होता है, इंडियन मेथड जो होता है, एक क्या होता है इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय मेथड, इंटरनेशनल मेथड। तो आज हम इस वीडियो में इंडियन मेथड पढ़ेंगे। इसमें क्या होते हैं 3 पीरियड्स होते हैं, कितने पीरियड्स होते हैं 3, जैसे कि वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000। इसके बाद वंस, टेंस, हंड्रेड, ये होता है फर्स्ट पीरियड, ये वंस का। इसके बाद कॉमाज आ जाता है, थाउजेंड के 2 होते हैं, जैसे कि हमने 2 जीरो लगा दी, यहाँ पे 3 जीरो। फिर उसके बाद क्या होता है थाउजेंड, फिर होता है लाख, फिर होता है 10 लाख, इसकी 2 जीरो, उसके बाद क्या होता है करोड़, 10 करोड़। तो 1, 2, 3, 4, तो कितने हो गए बच्चों, सॉरी यहाँ पे 4 पीरियड्स होते हैं, करोड़ तक होते हैं, जो कि हमारा इंडियन मेथड है। हंड्रेड, टेंस, सॉरी बच्चों वंस, टेंस, हंड्रेड, ये आता है वंस के पीरियड्स में। उसके बाद होता है थाउजेंड का पीरियड, इसको क्या बोलते हैं थाउजेंड का, थाउजेंड पीरियड, इसमें होते हैं थाउजेंड, 10,000। आगे होता है लाख का, इसको बोलते हैं 1 लाख, 10 लाख। आगे होता है करोड़ का, और फिर क्या होता है 10 करोड़। तो ये हमारे 4 पीरियड्स होते हैं, ये हमारा मेथड है इंडियन मेथड। तो हम आगे ये डिस्कस करेंगे। तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सो बच्चों गुड बाय, टेक केयर।